जय हिंद साथियों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम हिंदी साहित्य से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर के आए हैं, जो कि आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। और ये जो वीडियो आप देख रहे हैं, जो भी हमारे साथी देख रहे हैं, वो निश्चित ही हिंदी साहित्य से संबंधित हैं। और इस वीडियो को अपने तक सीमित नहीं रखेंगे, ये हमारी आशा है, वो अन्य लोगों तक जरूर पहुंचाएंगे, अपने मित्रों तक पहुंचाएंगे, क्योंकि ये जो वीडियो है आपके लिए ही बस उपयोगी नहीं है, उन सभी मित्रों के लिए उपयोगी है जो हिंदी साहित्य से संबंधित हैं। तो आपका सिर्फ इतना सा कर्तव्य बनता है कि आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और मेरा कर्तव्य बनता है कि मैं निरंतर इसी तरह से आपको वीडियो उपलब्ध करवाता रहूं, पीडीएफ उपलब्ध करवाता रहूं। पीडीएफ नोट्स भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी, और सभी वीडियो, जितने भी वीडियो चैनल पर उपलब्ध हैं, सभी पर आपको उसके संबंधी जो नोट्स हैं वो उपलब्ध होंगे। निःशुल्क नोट्स उपलब्ध करवाते जाएंगे, और आपको सिर्फ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और वीडियो को लाइक और शेयर ज्यादा से ज्यादा करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो बिना विलंब के। दोस्तों, कस्तूरी कुंडल वसे आत्मकथा है, हमारा पहला प्रश्न है। तो ये किसकी आत्मकथा है? मैत्री पुष्पा की आत्मकथा, विकल्प नंबर जो बी है वो इसका सही हो जाएगा। कस्तूरी कुंडल वसे आत्मकथा की जो रचयिता हो जाएंगे वो मैत्री पुष्पा जी। नेक्स्ट है, चरणदास चोर किसकी रचना है? नाट्य कृति है, तो वो हबीब तनवीर साहब की है, और कई बार एग्जाम में पूछी गई है हबीब तनवीर की ये चरणदास चोर जो नाट्य कृति है, कई बार एग्जाम में पूछी गई है, तो आपको बड़े ही अच्छे से इसको याद रखना है। ज्ञानमार्गी शाखा के कवियों को किस नाम से पुकारा जाता है? तो दोस्तों, इसका उत्तर हो जाएगा संत कवि। ज्ञानमार्गी शाखा के जो कवि थे उन्हें संत कवि कहा जाता है। आपको पता होगा कि भक्ति काल को दो शाखाओं में बांटा गया, सगुण भक्ति शाखा और निर्गुण भक्ति शाखा, आपको पता होगा। और सगुण भक्ति शाखा को भी दो भागों में बांटा गया, कृष्ण काव्यधारा और राम काव्यधारा, और जो निर्गुण भक्ति की धारा थी उसको भी दो भागों में बांटा गया, एक तो संत काव्यधारा और एक सूफी काव्यधारा। तो एक सूफी काव्यधारा को प्रेमाख्यान काव्यधारा भी कहते हैं, और संत काव्यधारा को ज्ञानमार्गी भी कहा जाता है। तो इस प्रकार से ये चीज आपको याद रखनी है, ज्ञानमार्गी शाखा को संत काव्यधारा कहते हैं, या संत कवि के नाम से जाना जाता है संत ज्ञानमार्गी शाखा के कवि। अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहा जाता है? तो अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है दोस्तों स्वयंभू को। आपको पता होगा कि कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है भाषाओं का क्रम क्या है, भाषाओं के विकास का क्रम क्या है। तो सबसे पहले संस्कृत का नंबर आता है, फिर पाली, प्राकृत, और जो है फिर आती है अपनी अपभ्रंश, और हिंदी आती है। तो इस प्रकार से आपको याद भी रखना है, और अपभ्रंश का जो वाल्मीकि कहा जाता है वो किसे कहा जाता है? स्वयंभू को कहा जाता है, ये चीज भी आपको याद रखनी है। नेक्स्ट है, चंद्रवरदाई किसके दरबारी कवि थे? तो चंद्रवरदाई आपको पता होगा हिंदी के प्रथम महाकवि माने जाते हैं चंद्रवरदाई, और इनका जो महाकाव्य है वो पृथ्वीराज रासो है। और जो चंद्रवरदाई हैं वो किसके दरबारी कवि थे? तो वो पृथ्वीराज चौहान के थे। और हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना जाता है तो पृथ्वीराज रासो ही माना जाता है, आपको याद रखना है। रीतिकाल का वह कौन सा कवि है जो अपनी मात्र एक कृति से हिंदी साहित्य में अमर हो गया? तो वह है बिहारी, बिहारी सस्ते इन्होंने रचयिता माने जाते हैं बिहारी जी। और आपको पता होगा कि बिहारी सस्ई में 713 दोहे हैं, कहीं कहीं 724 भी दिए रहते हैं, लेकिन 713 दोहे उपयुक्त हैं, 713 सही हैं। तो बिहारी जी जो है रीतिकाल के श्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। और आपको पता होगा कि बिहारी सस्ई जो इनकी रचना है, इसकी सर्वाधिक टीकाएं लिखी गई रामचरितमानस के बाद, अगर किसी रचना की सर्वाधिक टीकाएं लिखी गई तो वो बिहारी सस्ई की लिखी गई, याद रखना इसको। और सर्वाधिक जो टीकाएं लिखी गई वो रामचरितमानस की लिखी गई, जो कि तुलसीदास जी का महाकाव्य है। कठिन काव्य का प्रेत किस कवि को कहा जाता है? तो कठिन काव्य का प्रेत कहा जाता है केशवदास जी को। केशवदास जी रीतिकाल और भक्तिकाल दोनों के कवि कहे जाते हैं। भक्तिकाल में इन्होंने रामचंद्रिका नामक जो एक रचना की, जिससे कि आपको पता होगा कि छंदों का अजायब घर भी कहा जाता है रामचंद्रिका को, जो कि भक्ति काल की रचना मानी जाती है। तो ये भक्ति काल के कवि हुए, और रीति काल की इनकी रसिक प्रिय कवि प्रिय रचनाएं हैं, इसलिए ये रीति काल के कवि हुए। तो दोनों काल के कवि माने जाते हैं केशवदास जी, ये भी आपको याद रखना है। द्विवेदी योग का नामकरण किसके नाम पर हुआ है? तो महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर हुआ है, याद रखना। महावीर प्रसाद द्विवेदी 1903 में क्या बने थे? सरस्वती पत्रिका के संपादक बने थे 1903 में, है ना। तो ये चीज आपको याद रखना है। और एक और महत्वपूर्ण फैक्ट हम आपको बता दें कि जो निराला जी हैं, निराला की एक जूही की कली नाम से छंदमुक्त रचना है उनकी, और इसको इन्होंने क्या किया था, जो हजार महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं, इन्होंने सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित करने से मना कर दिया, और मना कर दिया। और बाद में महावीर प्रसाद द्विवेदी के बाद में जब इस पत्रिका का प्रकाशन हुआ,
तो ये जो पत्रिका थी महावीर प्रसाद निराला जी की, ये जो रचना थी बहुत ही प्रसिद्ध हुई और छंदमुक्त रचना और प्रथम छंदमुक्त रचना भी मानी जाती है। मैथिल कोकिल किसे कहा जाता है? तो विद्यापति को मैथिल कोकिल कहा जाता है, याद रखना मैथिल कोकिल। कई बार एग्जाम में पूछा गया मैथिल कोकिल किसे कहा जाता है, तो विद्यापति को कहा जाता है। कीर्तिलता, कीर्ति पताका और पदावली इनकी रचनाएं हैं। पदावली इनकी मैथिली में रचित रचना है, ये चीज भी आपको याद रखना है। और आपको पता होगा कि मैथिली एकमात्र हिंदी भाषा की बोली में से एकमात्र ऐसी भाषा है जिसे कि संविधान की 8वीं अनुसूची में स्थान प्राप्त है, ये भी आपको याद रखना है। प्रकृति के सुकुमार कवि, प्रकृति के चितेरे कवि किसे कहा जाता है? तो वो कहा जाता है सुमित्रा नंदन पंत को। एग्जाम में पूछा ही जाता है ये क्वेश्चन और सरल भी है, तो ये आपको याद भी रखना है। एक भारतीय आत्मा किसे कहा जाता है? तो दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा माखनलाल चतुर्वेदी को, एक भारतीय आत्मा के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है कथा सम्राट किसे कहा जाता है? तो उत्तर हो जाएगा प्रेमचंद जी को। आपको पता होगा कि प्रेमचंद जी ने अनेकों कहानियां लिखी, अनेकों उपन्यास लिखे, लेकिन इनका जो प्रथम प्रसिद्ध जो उपन्यास था वो गोदान था, ग्रामीण जीवन का महाकाव्य गोदान को भी कहा जाता है। और ये पूछा जाता है, इनके पात्रों से संबंधित नेट एग्जाम में पूछे जाते हैं, और हम एक निश्चित ही वीडियो बनाएंगे आपको जिसमें पात्रों और उससे संबंधित जो उपन्यासों से संबंधित पात्र होंगे उसके बारे में हम आपको एक वीडियो बना कर देंगे। और इसी तरह से आपको बने रहना है, चैनल पर सब्सक्राइब करना है। प्रेम सागर के लेखक कौन है? तो इसका उत्तर हो जाएगा लल्लू लाल। प्रेम सागर के लेखक कौन है? लल्लू लाल हैं, याद रखना। जो फोर्ट विलियम कॉलेज में लल्लू लाल और सदल मिश्र, इस प्रकार से सुख सागर, ये सभी जो थे ये क्या थे, फोर्ट विलियम कॉलेज में पदस्थ थे। तो इन्होंने प्रेम सागर की रचना की थी, है ना, किसने? लल्लू लाल जी ने। तुलसीदास ने अपनी रचनाओं में किसका वर्णन किया है? तो तुलसीदास ने, आपको पता होगा कि ये राम काव्य धारा के श्रेष्ठ कवि माने जाते हैं, तो तुलसीदास ने अपनी जो लेखनी चलाई वो राम पर आधारित थी, इसको याद रखना। त्याग पत्र किसकी रचना है? तो त्याग पत्र है जैनेन्द्र कुमार की, और जैनेन्द्र कुमार के बारे में हम बता दें कि ये मनोविश्लेषणवादी कवि माने जाते हैं। पूछा जाता है कि निम्न में से बताइए कि मनोविश्लेषणवादी कवि कौन नहीं है? तो जैनेन्द्र कुमार, ईलाचंद्र जोशी और अज्ञेय, और एक और कुछ दिया जाता है, तो जैसे प्रेमचंद दे दें तो प्रेमचंद नहीं है। मनोविश्लेषणवादी कवियों में जैनेन्द्र कुमार, अज्ञेय और ईलाचंद्र जोशी का नाम लिया जाता है, इनको याद रखना है। और आपको पता होगा कि मनोविज्ञान में मनोविश्लेषणवाद के जो जनक माने जाते हैं वो कौन माने जाते हैं? फ्रायड माने जाते हैं। ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है, तो ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है भारतीय भाषाओं में साहित्यकारों के रचनात्मक लेखन हेतु। दोस्तों ज्ञानपीठ पुरस्कार, ऐसा कोई भी एग्जाम नहीं होगा जिसमें हिंदी साहित्य पूछा जाता है और ज्ञानपीठ पुरस्कार के बारे में ना पूछा जाए। आपको पता होगा कि 1968 में सबसे पहले चिदम्बरा के लिए सुमित्रानंदन पंत को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला, उसके बाद 1972 में उर्वशी को और मिला रामधारी सिंह दिनकर की रचना, उसके बाद 1978 में कितनी नाव में कितनी बार अज्ञेय जी को मिला, और 1982 में यामा के लिए मिला महादेवी वर्मा जी को। तो ये चीज आपको याद रखना है। साहित्य अकादमी मात्र 4 रचनाओं के लिए मिला, उसके बाद 1982 के बाद जो है संपूर्ण साहित्य के लिए ये पुरस्कार दिया जाने लगा, तो ये चीज आपको याद रखना है। नेक्स्ट है मजदूरी और प्रेम के रचनाकार कौन है? तो इसका उत्तर हो जाएगा सरदार पूर्ण सिंह। आपको याद रखना है दोस्तों, ना तो कभी मजदूरी पूर्ण मिली और ना ही कभी प्रेम पूर्ण मिला। तो आपको सभी को पता होगा कि मजदूरी पूर्ण नहीं मिलती और प्रेम भी पूर्ण नहीं मिलता, तो मजदूरी और प्रेम के रचनाकार कौन हो जाएंगे? तो वो हो जाएंगे सरदार पूर्ण सिंह, इस प्रकार से याद भी इसको कर लेंगे। नेक्स्ट है कलम का सिपाही क्या है? तो कलम का सिपाही जो है ये जीवनी है दोस्तों, अमृतलाल नांगर कृत ये जीवनी है, प्रेमचंद की जीवनी लिखी है उनके पुत्र अमृतलाल नांगर ने, और ये जीवनी है, याद रखना। दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूँ आज जो नहीं कही, प्रस्तुत पंक्तियों के रचयिता का नाम बताना है, तो इसका उत्तर हो जाएगा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की दोस्तों जब हम कहानी आपको बताएंगे, तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जो जीवन था बहुत दुखद जीवन रहा, और इनकी पत्नी की मृत्यु हो गई, इनकी पुत्री की मृत्यु हो गई, इनके परिवार जो है नष्ट हो गया, और इनका जीवन जो है दुखमय रहा, और इनकी अनेकों रचनाएं हैं जो यथार्थवादी हैं और आत्मपरक हैं और दुखद रचनाएं हैं, ये चीज आपको याद रखनी है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी के बारे में। इन्हें ओज का कवि, इन्हें विद्रोह का कवि भी कहा जाता है, इस प्रकार से याद रखना है। हिंदी की पहली कहानी लेखिका का नाम है? तो बंग महिला है, ये क्वेश्चन भी अभी MP TET में भी पूछा गया था, है ना, राजेंद्र वाला घोष कहा जाता है। और
इसको आपको याद रखना है। खड़ी बोली के सर्वप्रथम लोकप्रिय कवि माने जाते हैं, तो कौन माने जाते हैं? वो माने जाते हैं खड़ी बोली के सर्वप्रथम जो लोकप्रिय कवि हैं वो हैं कौन? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओत। आपको पता होगा कि इनका जो एक श्रेष्ठ महाकाव्य है कौन सा है? श्रेष्ठ महाकाव्य प्रिय प्रवास, वैदेही वनवास है ना, कृष्ण शतक, इस प्रकार से इनकी रचना है। लेकिन प्रिय प्रवास हिंदी खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य माना जाता है, जो कि किसका है? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओत को है, हरिओत का है, और इन्हें कवि सम्राट भी कहा जाता है, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओत को। गोदान किसकी कृति है? तो वो है प्रेमचंद जी की गोदान है। निम्नलिखित में से किन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है? तो वो नामवर सिंह को मिला है दोस्तों, साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला नामवर सिंह को, याद रखना है। साहित्य अकादमी पुरस्कार सबसे पहले हिम तरंगणी के लिए मिला, किसे? माखनलाल चतुर्वेदी को साहित्य अकादमी पुरस्कार, याद रखना है आपको। साहित्य अकादमी पुरस्कार भी याद करना है, साहित्य और ज्ञानपीठ पुरस्कार भी आपको याद रखना है, भारत भारती पुरस्कार भी आपको याद रखना है, इन सारे के सारे पुरस्कारों को याद करना है, रटना है दोस्तों। आप कोई भी एग्जाम दे रहे हैं उसके लिए संपूर्ण 100% तैयारी करना है। नेक्स्ट है आत्मजयी की रचयिता है, आत्मजयी की रचयिता जो है कुंवर नारायण है। आत्मजयी की रचयिता कौन है? कुंवर नारायण है, और जो कुंवर लोग होते हैं उनको आत्मजयी बनना चाहिए। चांद का मोह टेढ़ा है, चांद का मोह टेढ़ा, तो ये इसका उत्तर हो जाएगा गजानन माधव मुक्तिबोध, चांद का मोह टेढ़ा है। गजानन माधव मुक्तिबोध की जब हम रचनाएं आपको याद करवाएंगे, और चुटकियों में आप एक बार पढ़ेंगे गजानन माधव मुक्तिबोध की जितनी भी रचनाएं हैं कभी आप नहीं भूलेंगे दोस्तों, क्योंकि रचनाओं की ट्रिक जब हम बताते हैं तो बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। गजानन माधव मुक्तिबोध की एक और पूछी जाती है, कौन सी? कामायनी पुनर्विचार, ये भी पूछी जाती है मुक्तिबोध की, ये चीज आपको याद रखना है। यामा के रचयिता हैं, यामा के रचयिता महादेवी वर्मा हैं। यामा 1982 में ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। महादेवी वर्मा छायावाद की कवित्री मानी जाती हैं। संसद से सड़क तक रचनाकार कौन है? सुदामा पांडे धूमिल हैं। रंगभूमि के रचनाकार कौन है? तो प्रेमचंद जी हैं। रंगभूमि है ना, गबन गोदान सेवा सदन और निर्मला, ये सारी की सारे उपन्यास जो हैं ये प्रेमचंद जी के हैं और सबसे प्रसिद्ध हैं। पूछे भी जाते हैं, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, ये रैदास जी की पंक्ति है ना, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मुहूर्त देखी तिन तैसी, ये पंक्ति किसकी है? तो ये तुलसीदास जी की है, सभी को पता है। प्रेम पच्चीसी के रचनाकार कौन है? तो इसका उत्तर हो जाएगा प्रेमचंद। दोस्तों भारतेंदु हरिश्चंद की भी प्रेम से संबंधित, प्रेम से संबंधित उनकी रचना है। एक क्वेश्चन अभी टेट में पूछा गया था और प्रेम प्रेम करके चार रचनाएं दे दी गई, पूछी भारतेंदु हरिश्चंद्र की कौन सी रचना नहीं है, उसमें ये भी दिया था प्रेम पच्चीसी है ना, ये प्रेम पच्चीसी किसकी है? ये प्रेमचंद की है। तो अच्छे से याद भी रखना है आपको। ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में श्रेष्ठ कार्य के लिए दिया जाता है? तो ये दिया जाता है साहित्य के क्षेत्र में, विकल्प नंबर डी इसका सही हो जाएगा। भिक्षुक के रचयिता है, तो भिक्षुक के रचयिता कौन है? निराला जी हैं। भिक्षुक के रचयिता सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, तोड़ती पत्थर, राम की शक्ति पूजा, जूही की कली, इस प्रकार से आपको याद रखना है। ये निराला जी की प्रसिद्ध रचनाएं हैं। ईदगाह के रचनाकार तो सभी को पता होगा, प्रेमचंद जी हैं। वीरों का कैसा हो बसंत, कई बार एग्जाम में पूछा गया, ये जो कविता के रचनाकार हैं वो कौन है? सुमित्रा कुमारी चौहान हैं। वीरों का कैसा हो बसंत, मसी कागज छुओ नहीं, कलम नहीं गही नहीं हाथ, इस के जो रचयिता हैं वो कौन है? तो वो हैं कबीरदास जी। अगला क्वेश्चन है, लोग हैं लागी कवित्त बनावत, मोही तो मेरे कवित्त बनावत, ये जो है वो किसका है? ये जो पंक्ति है वो है घनानंद की, और एग्जाम में पूछी गई है। घनानंद के बारे में आप जानते होंगे दोस्तों, इनकी प्रेमिका का नाम था सुजान। सुजान से जब इनको वियोग हुआ तो इन्होंने रचना करना प्रारंभ कर दिया, और उनके वियोग में अनेकों रचनाएं लिखी, इसलिए इन्हें प्रेम का पीर भी कहा जाता है, घनानंद को। तो ये चीज आपको याद रखना है ना। ले चल मुझे बुलावा देकर मेरे नावे के धीरे धीरे, प्रस्तुत पंक्ति के रचयिता कौन है? तो जयशंकर प्रसाद जी हैं। जयशंकर प्रसाद जी के बारे में तो हम बता चुके हैं, इनका प्रसिद्ध महाकाव्य जो है वो कई बार एग्जाम में पूछा गया है, वो है कौन सा? कामायनी है, 15 सर्ग हैं, ये तो आपको रट लेना है। 15 सर्ग अगर आपको याद हो जाए तो बहुत अच्छा है, नेट एग्जाम में ये सर्ग जो है वो क्रम से पूछ लिए जाते हैं कि इनमें से बताइए कौन सा क्रमबद्ध सर्ग है, सर्ग क्रमबद्ध है, इस प्रकार से पूछ लिया जाता है, तो याद रखना है। बैर क्रोध का आचार्य मुरब्बा है, प्रस्तुत पंक्ति की रचयिता कौन है? तो इसका उत्तर हो जाएगा सी, रामचंद्र शुक्ल जी का है। ढाई अक्षर के प्रेम के पड़े सो पंडित होए, ये जो पंक्ति है वो कबीरदास जी की है, कि जिसने इस प्रकार से इन्होंने कहा है कि पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भयानक कोए, और ढाई अक्षर प्रेम की पड़े सो पंडित होए,
प्रेम के ढाई अक्षर पढ़ने से क्या हो जाता, पंडित हो जाता है, कबीरदास जी बोल रहे हैं। कबीरदास जी आपको पता होगा कि भक्ति काल के श्रेष्ठ कवि, संत काव्यधारा के श्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। वही मनुष्य हैं जो मनुष्य के लिए मरे, कि रचयिता कौन है, तो विकल्प नंबर सी सही हो जाएगा, मैत्रेयचरण गुप्त। मैत्रेयचरण गुप्त को राष्ट्रकवि भी कहा जाता है। द्विवेदी युग से संबंधित है मैत्रेयचरण गुप्त, और मैत्रेयचरण गुप्त अपना गुरु महावीर प्रसाद द्विवेदी को मानते हैं, ये चीज भी आपको याद रखना है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रबंध काव्य है, तो प्रबंध काव्य है रामचरितमानस। प्रबंध काव्य माना जाता है, प्रबंध काव्य में ये महाकाव्य है रामचरितमानस, ठीक है। और फणीश्वरनाथ रेणु से संबंध, सही प्रदेश का नाम चुनिए, तो फणीश्वरनाथ रेणु जो है वो बिहार से संबंधित हैं, और आंचलिक उपन्यासकार माने जाते हैं फणीश्वरनाथ रेणु, है ना। मेला आंचल इनका प्रसिद्ध जो है आंचलिक उपन्यास माना जाता है, ये भी आपको याद रखना। मेला आंचल कई बार पूछा गया है, मेला आंचल किसकी रचना है, किसका उपन्यास है, तो फणीश्वरनाथ रेणु जी का ही है। विद्यापति की पदावली की भाषा क्या है, तो पदावली की मैंने पहले भी बताया है कि मैथिली है विद्यापति की। कीर्ति लता, कीर्ति पताका, पदावली, ये सभी विद्यापति की ही रचनाएं हैं। खालिस्तान को उग्र कहते हैं। दोस्तों आप अगर नेट का एग्जाम दे रहे हैं तो आपको क्या करना होगा, जितने भी उपनाम हैं उनको भी याद करना होगा। उपनाम पूछा जाता है, मधुप, अभी मधुप पूछा था कि मधुप किस का उपनाम है, तो मधुप मैत्रेयचरण गुप्त का उपनाम है। दोस्तों आपको याद रखना है, जकी से जगन्नाथ दास रत्नाकर, वैद्यनाथ से नागार्जुन, इस प्रकार से लिखते थे, इनके उपनाम है, इनको आपको याद रखना है। बिहारी किस राजा के दरबारी कवि थे, तो जय सिंह के। इस प्रकार से दरबारी भी पूछा जाता है, दरबार कौन किसके दरबार में था, केशवदास किसके दरबार में थे, मतीराम किसके दरबार में थे, ये सारी चीजें पूछी जाती हैं, तो बिहारी थे जय सिंह के दरबार में। शेष कादम्बरी के रचयिता हैं, शेष कादम्बरी के रचयिता अलका सरावगी है, ये कई बार एग्जाम में पूछा गया शेष कादम्बरी, इसको याद रखना है। शेष कादम्बरी के रचयिता कौन है, तो वो है अलका सरावगी। राग दरबारी की रचयिता कौन है, तो राग दरबारी की जो रचयिता है दोस्तों वो है श्रीलाल शुक्ल, ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया है। और निराला जी की एक रचना पूछी जाती है तुलसीदास, अभी यूपी टेट में पूछी गई थी तुलसीदास किसकी रचना है, और कई बार एग्जाम में पूछी गई, अनेकों बार पूछी गई तुलसीदास निराला जी की रचना है, कई बार एग्जाम में पूछी जाती है, तो याद रखना। उसकी रात कहानी के रचनाकार कौन है, तो प्रेमचंद जी हैं, ये भी आपको याद रखना है। ध्रुव स्वामिनी नाटक के रचयिता कौन है, तो जयशंकर प्रसाद, आपने पढ़ा होगा ध्रुव स्वामिनी, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, है ना, सज्जन जन्मेजय का नागयज्ञ, ये सारे के सारे जो नाटक हैं वो जो है जयशंकर प्रसाद जी की हैं, और इनके नाटकों में से एक ना एक क्वेश्चन हर एग्जाम में बनता है। जयशंकर प्रसाद के कभी पात्र पूछ लिए जाते हैं, कभी उनके नाटक पूछ लिए जाते हैं, इस प्रकार से बनते ही हैं। आत्मनिर्भरता के रचनाकार हैं, तो आत्मनिर्भरता बालकृष्ण भट्ट, और बालकृष्ण भट्ट के बारे में मैंने बताया था कि बालकृष्ण भट्ट भारतेंदु युग के सर्वश्रेष्ठ जो है कवि माने जाते हैं, वो भारतेंदु मंडल के सबसे वरिष्ठ कवि भी माने जाते हैं। गंगा छवि वर्णन के रचनाकार कौन है, तो भारतेंदु हरिश्चंद हैं, गंगा छवि वर्णन भारतेंदु हरिश्चंद, है ना, इसको याद रखना है। निराला को कैसा कवि माना जाता है, तो क्रांतिकारी कवि माना जाता है निराला जी को, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला इनका पूरा नाम है। और कवि कालिदास की अभिज्ञान शकुंतलम जो रचना है का हिंदी अनुवाद किसने किया है, तो अभिज्ञान शकुंतलम का हिंदी अनुवाद किया है राजा लक्ष्मण सेन ने, याद रखना। अभिज्ञान शकुंतलम का जो हिंदी अनुवाद किया राजा लक्ष्मण सेन ने किया। अगर आप MPSI MP टेट से संबंधित हैं, MP से जो एग्जाम होता है उसमें कालिदास के जो है क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, कहते हैं कि इनका जन्म उज्जैन में हुआ था, उज्जैन से संबंधित हैं, इसलिए कालिदास से संबंधित कालिदास की जो रचना है, एक आध दिन हम सारी की सारी रचनाओं को और सारे जो इनके महाकाव्य उनको व्यवस्थित ढंग से आपको याद करवा देंगे। किस काल को स्वर्णयुग कहा जाता है दोस्तों, तो भक्ति काल को कहा जाता है। यहाँ पर कन्फ्यूज कर दिया एमपी टेट में, कैसे पूछा गया कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किस काल को स्वर्ण युग कहा, तो भक्ति काल को कहा, कंफ्यूज कर दिया। इस प्रकार से हिंदी गद्य का जन्मदाता किसको माना जाता है, तो भारतेंदु हरिश्चंद को माना जाता है हिंदी गद्य का जन्मदाता। सूरदास के गुरु कौन थे, तो आपको पता होगा बल्लभाचार्य, पुष्टि मार्ग के प्रवर्तक माने जाते हैं बल्लभाचार्य, सूरदास जी के गुरु थे, और सूरदास जी के चार शिष्य थे, और इनके जो बल्लभाचार्य हैं इनका पुत्र का नाम था विट्ठलनाथ, और विट्ठलनाथ के भी चार शिष्य थे। विट्ठलनाथ ने 1565 में क्या किया कि एक अष्टछाप की स्थापना कर दी, और चार शिष्य बल्लभाचार्य के, चार शिष्य किसके, विट्ठलनाथ के मिलाकर एक अष्टछाप की स्थापना की, और अष्टछाप के एक कवि जो है कृष्ण भक्ति शाखा से संबंधित थे। कामायनी किस प्रकार का ग्रंथ है, तो कामायनी महाकाव्य है, आपको पता होगा जयशंकर प्रसाद जी का। गागर में सागर भरने का कार्य किस कवि ने किया है, तो ये किया है बिहारी ने। बिहारी रीति काल के श्रेष्ठ कवि माने जाते हैं, और ये रीति सिद्ध काव्यधारा के माने जाते हैं। आपको पता होगा कि रीति काल को तीन काव्यधारा में बांटा गया, रीतिबद्ध, रीति सिद्ध और रीति मुक्त। रीतिबद्ध के अंतर्गत केशवदास
और मतिराम आदि आते हैं रीति सिद्ध के अंतर्गत, रसडीन और बिहारी आते हैं और रीति मुक्त के अंतर्गत घनानंद बोधा ठाकुर आदि आते हैं। ये चीज आपको याद रखनी है। महाभोज रचना की प्रधान समस्या को उजागर करने वाले विकल्प को चुनिए तो इसका उत्तर हो जाएगा सी, राजनीतिक समस्या। और ये जो महाभोज जो है ये जो बहुत ही प्रसिद्ध रचना मानी जाती है तो ये भी आपको याद रखना है और ये राजनीतिक समस्या से संबंधित है। नेक्स्ट है वापसी किस विधा में रचित है तो ये है कहानी वापसी उषा प्रेमवदा की ये रचना है। वापसी एक कहानी विधा में रचित है ये चीज आपको याद रखनी है। नेक्स्ट बात करें तो नेक्स्ट जो हो जाएगा वो हमारा क्वेश्चन होगा कि तोड़ती पत्थर कैसी कविता है। तोड़ती पत्थर के बारे में हमें याद रखना है। तोड़ती पत्थर आपको पता होगा कि ये जो है यथार्थवादी रचना है। तोड़ती पत्थर कैसी रचना है यथार्थवादी है और ये तोड़ती पत्थर किसकी रचना है तो ये निराला जी की रचना है। नेक्स्ट है देवा स्वप्न का समय मेघमय आसमान से उतर रही बस संध्या सुंदरी परी सी धीरे धीरे प्रस्तुत पंक्ति के रचनाकार कौन है तो इसके रचनाकार हैं दोस्तों सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, याद रखना इसको। नेक्स्ट है सांच बराबर तप नहीं झूठ बराबर पाप प्रस्तुत पंक्ति की रचयिता कौन है तो कबीरदास जी हैं। अष्टछाप के सर्वश्रेष्ठ भक्त कवि के रूप में क्या नाम लिया जाता है तो सूरदास जी का नाम लिया जाता है अष्टछाप की। और मैंने बता दिया कि 1565 में अष्टछाप की स्थापना विट्ठल नाथ ने की थी। रामचरितमानस की भाषा क्या है तो भाषा है अवधि। रामचरितमानस की भाषा क्या है अवधि भाषा है और अवधि के बारे में मैंने बताया कि पूर्वी हिंदी की। अगला क्वेश्चन है अष्टछाप के सर्वश्रेष्ठ भक्त कवि के रूप में नाम लिया जाता है तो अष्टछाप के सर्वश्रेष्ठ भक्त कवि के रूप में नाम किसका लिया जाता है सूरदास जी का। विकल्प नंबर 20 का सही हो जाएगा। रामचरितमानस की भाषा क्या है तो रामचरितमानस की भाषा क्या है आपको पता होगा अवधि है। अवधि रामचरितमानस की भाषा है। सात कांड है इसमें और तुलसीदास जी की श्रेष्ठ रचना है। भूषण किस रस के कवि थे तो भूषण जो थे वो वीर रस के कवि थे। रामचरितमानस में कितने कांड हैं तो कितने कांड हैं सात कांड हैं। निम्नलिखित में से कौन सा व्यंग लेखक है तो हरिशंकर परसाई जी को आपको पता होगा कि ये व्यंग लेखक माने जाते हैं हरिशंकर परसाई जी, याद रखना इसको। हरिशंकर परसाई जी व्यंग लेखक माने जाते हैं। अगला क्वेश्चन आपका बंटी रचना की प्रधान समस्या को उजागर करने वाले विकल्प को चुनिए तो आपका बंटी ये तलाक से जुड़ी समस्या थी आपका बंटी। हिंदी पत्रिका कादम्बनी के संपादक कौन है तो राजेंद्र अवस्थी। हिंदी पत्रिका कादम्बनी के संपादक कौन माने जाते हैं राजेंद्र अवस्थी जी माने जाते हैं। रानी केतकी की कहानी के रचयिता कौन है तो इंसान अल्लाह खां। कई बार एग्जाम में पूछेगी रानी केतकी की कहानी इंसान अल्लाह खां है ना, याद रखना। शिव शंभू के चिट्ठे से संबंधित है तो बालमुकुंद गुप्त। और बालमुकुंद गुप्त को द्विवेद युग भारतेंदु युग के बीच की कड़ी का जो है कवि कहा जाता है। रसिक प्रिया की रचयिता आपको पता होगा विकल्प नंबर 20 का सही है केशवदास। केशवदास रीतिकाल के कवि हैं और रामचंद्रिका इनकी प्रमुख रचना है। छंदों का अजायब घर भी इसे कहा जाता है। कुटच के रचयिता कौन है तो हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी के बारे में आपको पता होगा दोस्तों कि हजारी प्रसाद द्विवेदी ने हिंदी साहित्य का जो आदिकाल है उसे आदिकाल की संज्ञा इन्होंने ही दी थी हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। हिंदी साहित्य की भूमिका हिंदी साहित्य का आदिकाल इनकी ऐतिहासिक रचनाएं हैं तो ये चीज आपको याद रखना है। आंसू काव्य के रचनाकार कौन है तो जयशंकर प्रसाद की ये रचना है काव्य रचना है आंसू। चंदन विष व्यापत नहीं लिपटे रहत भुजंग प्रस्तुत पंक्तियां के रचयिता कौन है तो रहीमदास जी हैं, याद रखना। अमीय हलाहल मद भरे कई बार एग्जाम में पंक्ति पूछी गई। अमीय हलाहल मद भरे सेत श्याम रत नार जियत मरत झुक झुक परत जही चितवत एक बार तो इसका उत्तर हो जाएगा रसलीन। अमीय मल्ला आमीय आरा मतलब आम, आम क्या है आम में रस होता है मतलब रसलीन हो जाएगा, यहाँ से याद भी कर लेंगे इसको। जब जब होए धर्म की हानि बाड़े असुर अधम अभिमानी इसका जो ये पंक्ति है किसकी है तो ये तुलसीदास जी की है। रामायण आपने पढ़ी होगी रामचरितमानस आपने पढ़ी होगी। परहित सरस धर्म नहीं भाई पर पीणासम नहीं अधमाई प्रस्तुत पंक्तियों के रचयिता कौन है तो ये इनके भी तुलसीदास जी हैं। रक्त है या नसों में क्षुद्र पानी जांच कर तू शीस दे दे कर जवानी प्रस्तुत पंक्तियों के रचयिता कौन है तो इनके पंक्तियों के रचयिता हैं माखनलाल चतुर्वेदी। सुहाग के नुपुर के रचयिता हैं तो सी अमृतलाल लांगर जी हैं और अमृतलाल नांगर की प्रसिद्ध रचना मानी जाती है सुहाग के नुपुर कई बार एग्जाम में पूछी गई। संस्कृति के चार अध्याय किसकी रचना है तो संस्कृति के चार अध्याय दोस्तों ये रामधारी सिंह दिनकर की है और रामधारी सिंह दिनकर को उर्वशी के लिए क्या मिला था ज्ञानपीठ पुरस्कार कब मिला था कमेंट के माध्यम से आपको बताना है। अशोक के फूल के रचनाकार कौन है
तो अशोक के फूल कई बार एग्जाम में पूछी गई और ये निबंध संग्रह है और ये हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की है। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी को श्रेष्ठ ललित निबंधकार भी माना जाता है। याद रखना झरना काव्य संग्रह की रचयिता कौन है, तो वो है सी मतलब जयशंकर प्रसाद। झरना काव्य संग्रह के जयशंकर प्रसाद। भारत भारती के रचनाकार कौन है, तो मैत्रेय गुप्त हैं। कई बार एग्जाम में पूछी गई मैत्रेय गुप्त की भारत भारती। दोहा कोश की रचयिता कौन है, सरहपा। और राहुल शंकरताय ने हिंदी का प्रथम कवि किसे माना है, तो सरहपा को ही माना है। याद रखना वो प्रथम रचना मानी है तो श्रापकाचार को मानी है, ये भी आपको याद रखना। प्रेम सागर के रचनाकार कौन है, तो लल्लू लाल जी हैं, ये तो आपको पता है। और पंच परमेश्वर के लेखक कौन है, तो बी प्रेमचंद जी हैं। प्रेमचंद जी की ये रचना है पंच परमेश्वर। तोड़ती पत्थर ये सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की है। और हार की जीत के कहानीकार हैं, तो वो कौन है, सुदर्शन जी हैं। हार की जीत सुदर्शन जी, आपने पढ़ा होगा वो बाबा भारती वाला, बाबा भारती घोड़ा चुरा कर ले जाता है हार की जीत में, सभी ने पढ़ा है। प्रथम सूफी प्रेमाख्यान काव्य के रचयिता कौन है, तो सी मुल्ला दाऊद हैं। सूफी प्रेमाख्यान काव्य के रचयिता मुल्ला दाऊद है ना। मुल्ला दाऊद की रचना का नाम है चंदायन, कई बार एग्जाम में पूछी गई। और जो है कुतुबन की कौन सी है, मृगावती। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जो सूफी काव्यधारा की प्रथम रचना माने हैं वो मृगावती को ही माना है। कुतुबन की रचना है ये, है ना। और नूर मोहम्मद की एक रचना है अनुराग वासरी, जायसी की है पद्मावत, इनको याद रखना। पद्मावत की भाषा जो है वो अवधि है। हिंदी के प्रथम गद्यकार हैं कौन है, तो लल्लू लाल हैं। हिंदी के सर्वप्रथम प्रकाशित पत्र का नाम क्या है, तो दंत मार्तंड है 1826 में, है ना, ये भी आप याद रखना। जुगल किशोर, पंडित जुगल किशोर। और छायावाद के प्रवर्तक का नाम है, तो क्या है, जयशंकर प्रसाद। किसने माना है इन्हें प्रवर्तक, तो इलाचंद्र जोशी ने माना है। जोश में आके इन्होंने क्या कर दिया, जयशंकर प्रसाद को प्रवर्तक मान लिया। और नंदलाल वाजपेयी ने इनको माना अपना पंत जी को। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने मुकुटधर पांडे को। प्रगतिवाद उपयोगितावाद का दूसरा नाम है, यह कथन किसका है, तो यह है नंदलाल वाजपेयी का। प्रगतिवाद उपयोगितावाद का दूसरा नाम है, कई बार एग्जाम में पूछा गया प्रगतिवाद उपयोग, अभी एमपी टेट में भी पूछा गया था। प्रगतिवाद उपयोगितावाद का दूसरा नाम है नंदलाल वाजपेयी का है। दोस्तों अगर छायावाद का ऐसे ही जनक पूछा जाता है कि छायावाद का जनक कौन है, तो जयशंकर प्रसाद आपको टिक करना है। प्रेमचंद के अधूरे उपन्यास का नाम है, तो मंगलसूत्र इनका अधूरा उपन्यास है प्रेमचंद जी का, ठीक है। रामधारी सिंह दिनकर को भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, तोरबसी के लिए मिला था 1972 में। हिंदी साहित्य के इतिहास के सर्वप्रथम लेखक का नाम है, तो गारसादा तासी। हिंदी साहित्य के इतिहास के सर्वप्रथम लेखक का नाम है गारसादा तासी। पद्मावत किसकी रचना है, तो ये पता होगा आपको, जायसी जी की है। बैताल पच्चीसी की रचनाकार कौन है, एग्जाम में पूछी जाती है और अच्छी रचना है ये बैताल पच्चीसी, सूरती मिश्र की है, सूरती मिश्र की। आंचलिक रचनाएं किससे संबंधित हैं, तो अंचल विशेष से होती हैं, क्षेत्र विशेष से होती हैं, है ना, अंचल विशेष या क्षेत्र विशेष से होती हैं, ये क्वेश्चन भी कई बार आया है। निर्गुण भक्ति काव्य का प्रमुख कवि है, तो कौन है, कबीरदास। निर्गुण भक्ति काव्यधारा के संत काव्यधारा के जो है श्रेष्ठ कवि हैं कबीरदास जी। श्रद्धा किस कृति की नायिका है, तो ये कामायनी की है, कामायनी जयशंकर प्रसाद का श्रेष्ठ महाकाव्य भी माना जाता है। नेक्स्ट है तरुवर फल नहीं खात है, सरवर पिय ही न पान, प्रस्तुत पंक्ति की रचयिता कौन है, तो इसका उत्तर हो जाएगा रहीमदास जी की है। तरण तनुजा तरतमाल तरुवर बहु छाए, प्रस्तुत पंक्ति की रचयिता कौन है, तो उत्तर हो जाएगा भारतेंदु हरिश्चंद्र। भारतेंदु हरिश्चंद्र के बारे में हमने कई बार आपको बताया है कि भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाम पर भारतेंदु युग का नाम पड़ा। और भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का जो है जन्म हुआ था 1850 में और 1885 में इनकी मृत्यु हो गई। बुंदेले हरबेलों के हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी बहतो झांसी वाली रानी थी, पंक्ति किसकी है, तो ये पंक्ति है सुभद्रा कुमारी चौहान की। याद रखना मुझे तोड़ लेना बनमाली उस पथ, मैं तुम देना फेंक मातृभूमि पर शीश चढ़ाने, जिस पथ जावे वीर अनेक, प्रस्तुत पंक्ति किसकी है, ये माखनलाल चतुर्वेदी की, कई बार आपने पढ़ी होगी और कई बार एग्जाम में भी पूछी गई। दरवाजे से चंडाल गढ़ी की तरफ नजर दौड़ाने पर एक अद्भुत दृश्य दिखाई देता था, इस पंक्ति के रचनाकार हैं, तो वो है राहुल शंकरताय, है ना। विकल्प नंबर ए इसका सही हो जाएगा। भूषण की कविता का प्रधान स्वर है, तो भूषण की कविता का प्रशस्ति परक प्रधान स्वर क्या है, प्रशस्ति परक है। और वीर रस के कवि माने जाते हैं भूषण जी, ये भी आपको याद रखना है। अपभ्रंश में कृष्ण काव्य के प्रणेता कौन है, तो पुष्पदंत है अपभ्रंश में कृष्ण काव्य के प्रणेता। हिंदी कविता को छंदों की पर्दी से मुक्त कराने वाले थे, तो कौन थे, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। इनकी छंद मुक्त रचना मानी जाती है, तो वो मानी जाती है जूही की कली, इसको याद रखना। तितली किसकी रचना है, तो ये जयशंकर प्रसाद की रचना मानी जाती है तितली, है ना।
याद रखो, अतीत के चलचित्र की रचयिता कौन है? तो महादेवी वर्मा है। महादेवी वर्मा शैवाद की श्रेष्ठ कवित्री हैं। पल्लव की रचयिता कौन है? तो ये सुमित्रा नंदन पंत जी हैं। और आपको पता होगा ये क्वेश्चन पूछा जाता है, पल्लव श्रेष्ठ रचना मानी जाती है छायावाद की, सुमित्रा नंदन पंत की, और छायावाद का मैनिफेस्टो भी इसे ही कहा जाता है पल्लव को। तो इसको आपको याद रखना है, पल्लव को छायावाद का मैनिफेस्टो कहा जाता है, घोषणा पत्र कहा जाता है। चिंतामणि की रचयिता है रामचंद्र शुक्ल है चिंतामणि की रचयिता। जन्मेजय का नाग यज्ञ किसका नाटक है और क्या कृति है? तो जन्मेजय का जो नांग यज्ञ है वो जयशंकर प्रसाद का है, और शंकर जी के गले में वैसे ही नांग डला रहता है, तो नांग की बात आई है मतलब ये जयशंकर प्रसाद की ही होगी। हमें दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहाँ कल वहां चले, मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहां चले। ये पंक्ति किसकी है? तो भगवती चरण वर्मा की है, क्योंकि हम दीवाने किसके हैं? भगवती के हैं, है ना। निम्नलिखित में सबसे पहले अपनी आत्मकथा हिंदी में किसने लिखी? तो वो निम्नलिखित में से हमें बताना है, तो राजेंद्र प्रसाद जी ने लिखी है। निम्नलिखित मतलब नीचे लिखित जो विकल्प है इनमें से बताना है, तो राजेंद्र प्रसाद जी की है। अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, और आंचल में है दूध आंखों में पानी, ये यशोधरा से ली गई है पंक्ति, चरण गुप्त जी की है, इसको भी याद रखना। हिमालय के आंगन में उसे प्रथम किरणों का देव उपहार, उषा ने हंसा अभिवादन किया और पहनाया हीरे का हार। तो ये किसकी है? ये है जयशंकर प्रसाद की। हिंदी साहित्य के आरंभिक काल को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है, तो क्या कहा है साहब? वीर गाथा काल कहा है। और आदिकाल किसने कहा है? तो आदिकाल कहा है किसने? आदिकाल कहा है अपने हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। सिद्ध सामंत काल किसने कहा है? तो राहुल शांकृत्याय ने कहा है, ये चीज भी आपको याद रखना है। चारण काल किसने कहा है? तो गिरियर्सन ने कहा है, ये भी आपको याद रखना है। वीर गाथा काल का कवि नहीं है तो वो नहीं है, नामदेव चंद्रवरदाई हैं, जगन्नाथ हैं, मधुकर हैं, नामदेव नहीं हैं। वीरगाथा काल के सर्वश्रेष्ठ कवि माने जाते हैं तो चंद्रवरदाई माने जाते हैं। पृथ्वीराज रासु इनकी प्रथम जो श्रेष्ठ रचना मानी जाती है चंद्रवरदाई जी की महाकाव्य है। पृथ्वीराज रासु के रचनाकार भी चंद्रवरदाई हैं, विकल्प नंबर 20 का सही हो जाएगा। कबीरदास की भाषा थी तो कबीरदास की भाषा कैसी थी? सादुकड़ी भाषा थी। पंचमेल खिचड़ी भी इनकी भाषा को कहा जाता है, इनको याद रखना है। नेक्स्ट है कटकटान कपि कुंजर भारी, कटकटान कटकटान कपि कुंजर भारी, दो भुज दंड तमिक है महिमारी, डोलत धरन सभा पद खसे, चले भाजी भय मारत ग्र से। प्रस्तुत पंक्ति के रचयिता कौन है? तो ये तुलसीदास जी की पंक्तियां हैं। नयन जो देखा कमल सा निर्मल नीर, शरीर हसत जो देखा हंस भा, दसन ज्योति नग हीर। प्रस्तुत पंक्तियों की रचयिता कौन है? तो जायसी जी हैं, जायसी। नयन जो देखा कमल सा, सूपी काव्यधारा की, सूपी काव्यधारा मतलब प्रेमाख्यान काव्यधारा की, प्रेम की बात करते हैं। तो नयन जो देखा कमल सा निर्मल नीर, वहां पर प्रेम की बात हो रही, मतलब इसकी किसकी हो जाएंगे? जायसी हो जाएंगे। सेवा बावनी के रचनाकार कौन है? तो भूषण जी हैं सेवा बावनी के रचनाकार, याद रखना। सेवा बावनी भूषण बीरस के कवि, रीतिकाल के कवि हैं। भूषण नर की और नर नील की गति एक ही कर जोए, ये तो नीचो है चले ते तो ऊंचो हो। पंक्तियां ये रचयिता कौन है? तो पंक्ति के रचयिता है दोस्तों बिहारी दास। और बिहारी सत्सई इनकी श्रेष्ठ रचना है, 713 दोहे हैं बिहारी सत्सई में, और रामचरितमानस के बाद सबसे टीकाएं लिखी गई तो वो किसकी लिखी गई? बिहारी सत्सई की लिखी गई, याद रखना। और बिहारी जो है रीति सिद्ध काव्यधारा के कवि हैं, श्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। तो इस प्रकार से दोस्तों हमने यहां पर बहुत से महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा की। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं, और वीडियो को अपने मित्रों तक शेयर करें और लाइक करें, और जो है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें दोस्तों। जय हिंद।